आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जो कुष्ठ रोग का शिकार बने लेकिन ईश्वर से चंगाई प्राप्त करके क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 4 जून को संपूर्ण कलीसिया संत फ्रांसिस कार्सियोलो का पर्व मनाती है। संत फ्रांसिस का जन्म 13 अक्टूबर 1563 को इटली देश के नेपल्स शहर में हुआ था। वे एक राजघराने में से थे। उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी जो मैं आपको बताऊंगा। संत फ्रांसिस को 22 साल की उम्र में कुष्ठ रोग हो गया था और जब उन्हें कुष्ठ रोग हुआ तो वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि यदि मैं चंगा हो गया तो मैं अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर दूंगा। और ऐसा चमत्कार हुआ कि संत फ्रांसिस भले चंगे हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे एक पुरोहित बनेंगे। संत फ्रांसिस एक पुरोहित बनने के लिए नेपल्स शहर चले गए जहां पर उन्होंने दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1587 में वे एक पुरोहित बने। 2 साल बाद सन 1590 में उन्होंने अपने एक मित्र फादर जॉन अगस्टिन अडोर्नो के साथ मिलकर एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था माइनर क्लर्क्स रेगुलर। उस संस्था का मुख्य उद्देश्य सेवामय जीवन और प्रार्थना करना था। उस संस्था के सभी लोग प्रार्थना करते थे, निरंतर परम प्रसाद की आराधना करते थे और पीड़ित लोगों की सेवा करते थे। संत फ्रांसिस उस संघ के प्रथम सुपीरियर बने और उन्होंने अपने संघ के अनेक घरों की स्थापना की। उन्होंने अपने संस्था के अनेक युवकों को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में भेजा। संत फ्रांसिस बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनका जीवन निर्मल और स्वर्गदूत के समान शुद्ध था। वे बहुत ही कठिन जीवन जीते थे। वे भीख मांगते थे और बिना जूतों के चलते थे। उन्हें ईश्वर से मन पढ़ने का वरदान मिला था। उनकी मृत्यु 4 जून 1608 में हुई थी और संत पापा पियूस सातवें ने उन्हें 24 मई 1807 में संत घोषित किया था। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम संत फ्रांसिस कार्सियोलो की मध्यस्थता द्वारा सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनका जीवन हमेशा सेवामय और प्रार्थना भरा बना रहे।